हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हे सॉल्यूशन वीडियोस। थैंक यू, आपका प्यार देख के मैं इतनी ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को बैक टू बैक मैं वीडियो डालने वाला हूँ या अपलोड करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो लोग नए आ रहे हैं, प्लीज़ अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल का आइकन दबाइए। आज जो हम करने वाले हैं, फ्री हैंड लेयर कट। ओके, फ्री हैंड मतलब ऐसा कोई नहीं है कि ऐसे हमें अलग से कुछ हेयर निकालने पड़ेंगे। डायरेक्टली मैं सिर्फ स्टार्टिंग से एक ए सेक्शन बना के मिड ऑफ द आईब्रो एक लेंथ डिसाइड कर लूँगा क्लाइंट का कि मुझे इतना रखना है। बैक लेंथ पे मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बैक में कोई गाइडलाइन, कोई पैरामीटर कुछ नहीं बना रहा हूँ। तो सारे बालों को मैं मिडल से डिवाइड कर लूँगा, एकदम सेंटर से। ओके, इस तरह से। तो जैसे ही ये डिवाइड हो जाएगा, सारे बालों को मैं आगे वाली गाइडलाइन से फॉलो करते हुए सारे बाल मुझे आगे काटने हैं। ओके, तो सारे बालों को मैं आगे लेके गया। ओके, सेंटर पार्टीशन कर लिया, आगे वाले बाल सिर्फ मेरी गाइडलाइन है। अभी देखना, ये वी कट है या आप लेयर कट बोल सकते हो, ठीक है, वी हे कट बोल सकते हो। एकदम ईजी है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। एक डायगोनल सेक्शन लिया फ्रंट पे, लंबा हॉरिजॉन्टल डायगोनल पकड़ा, जो मेरी गाइडलाइन है। क्लाइंट को बोलो सर नहीं हिलाना है। ओके, तो सर यहां पे सामने रखेंगे, सारे बालों को कॉम करेंगे, आगे लेके जाएंगे। और आप देखिए, जो मेरी गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए छोटे बाल गाइडलाइन एंड काटते जाएंगे। डरना नहीं है, सारे बाल काट दीजिए। सारे बाल आगे ले जाके नोज के सामने मैं काट रहा हूँ। ये वी कट होने वाला है, ट्रस्ट मी। आप देखिए, एकदम इजी है कट, है कुछ नहीं करना है इसमें। सारे बालों को आगे छोड़ दिया, चेक कर लेंगे बार बार, आगे लेके जाएंगे, चेक कर लेंगे दोबारा से कि कहीं कोई छोटे बड़े बाल तो नहीं है। ओके, तो इसी तरह से सारे बाल मुझे इस साइड के इसी साइड आगे लेके आके काटने हैं। ओके, अगर आपको लग रहा है कहीं पे कुछ अजीब शेप आ रहा है तो उसको अनइवन कर दीजिए, उसमें क्या है, लेयरिंग बहुत अच्छा आता है। तो ये बाल कट गए, अभी नेक्स्ट सेक्शन लेंगे हम इस तरह से। डायगोनल सेक्शन, जो क्राउन टू ईयर वाला सेक्शन होता है, सारे बालों को आगे लेके गया मैंने। फ्रंट वाले हेयर से गाइडलाइन ले लिया है, सारे बाल आगे लेके जा रहा हूँ, और फ्रंट पे ले जाके ही काटूंगा। तो आप ध्यान रखिए, मैं आगे लेके गया, गाइडलाइन देखा एंड उसको काटना स्टार्ट किया नोज के सामने। ओके, तो मैं देख रहा हूँ गाइडलाइन, फॉलो कर रहा हूँ फ्रंट वाली, बैक में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ अभी तक, क्योंकि मैं सारे बाल आगे लेके जाऊँगा, गाइडलाइन फॉलो करूँगा तो बैक में अपने आप एक प्रॉपर शेप आएगी। दोनों साइड अगर आप इक्वल काट लेते हो तो एकदम परफेक्ट वी आने वाली है बैक में, ट्रस्ट मी। तो अभी तक ये एक साइड का पोर्शन मैं दिखा रहा हूँ, सेकंड साइड शायद इससे भी अच्छा दिखेगा, बिकॉज इस साइड मेरा हाथ आ जाता है तो आपको हेयर कट प्रॉपर दिख नहीं पाता होगा मे बी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये सारे बाल मैं कॉम करूँगा, कान के ऊपर लेके जाऊँगा। ओके, सारे टैंगल्स निकाल लीजिए, सारे बाल आगे लेके जाने हैं हमें। जैसे ही टैंगल्स निकल जाएंगे, सारे बाल को कॉम करिए। ओके, कान के ऊपर से निकालिए, आगे की तरफ लेके जाइए, और ये छोटे बाल जो है गाइडलाइन है और उसको काट दीजिए। तो ये एक साइड के बाल ऑलमोस्ट कट चुके हैं, ठीक है। अभी दूसरी साइड के बाल दिखाऊंगा, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको अगर कुछ भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है जो मैं यूज़ करता हूँ, लाइक ड्रायर यूज़ कर रहा हूँ, चाहे मैं कॉम यूज़ कर रहा हूँ, चाहे मैं सीजर यूज़ कर रहा हूँ, चाहे मैं कलर, स्पा, एनीथिंग, ओके, कुछ भी मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियोस में या सारी वीडियोस में, वो अगर आपको भी ख़रीदना है तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है हर एक चीज़ का। ओके, जो मैं यूज़ करता हूँ मैंने लिखा भी है, तो लिंक पे क्लिक करिए और डायरेक्टली आप बाय कर सकते हैं अमेज़ोन से। ओके, एकदम ईजी हो गया, आजकल की दुनिया में सब ईजी हो गया। आप घर बैठे जो भी आपको देख रहे हो वीडियो में वो ख़रीद सकते हैं ऑनलाइन डायरेक्टली। ओके, अभी मैं अदर साइड के बाल काट रहा हूँ और वो भी उसी तरह से आगे लेके जाऊँगा। ओके, नोज़ के सामने ये गाइडलाइन है छोटे बाल, और काटना स्टार्ट करूँगा। आई थिंक अभी आपको अच्छा दिख रहा होगा ना।
तो ये इसी तरह से ये बाल भी काट लिए। ओके, अभी अगर आपको लग रहा है कहीं पे कि शेप या हमसे प्रॉपर नहीं कट रहा है तो उसको अनइवन कर दीजिए, स्ट्रेट मत काटिए। ओके, तो अभी मैं ले रहा हूँ बाकी के बाल जो है क्राउन टू ईयर वाला सेक्शन। ओके, कॉम करूँगा सारे बालों को टूवर्ड द नोज। बैक में अभी तक हमने कोई लाइन नहीं बनाया, मैंने इसलिए नहीं बनाया बिकॉज ये हेयर कट का आपको रिजल्ट दिखाने वाला हूँ कि ये बैक से कैसे दिखते हैं। ओके, तो इसको इस तरह से ही नोज के सामने ले जाके गाइडलाइन देखते हुए फॉलो करते हुए काट देंगे हम। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं किया है तो प्लीज अभी की अभी वीडियो को लाइक करिए, अभी प्लीज, आपका एक लाइक मेरा उत्साह बढ़ा देता है कसम से। और वीडियो को शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सकता है, जितनी आप अपनी नॉलेज बांटोगे उतनी बढ़ेगी। तो मैं ये भी बाल आगे लेके जा रहा हूँ। ओके, जितने बड़े बाल हैं उनको काटिए गाइडलाइन को देखते हुए, जितने बड़े बाल हैं उनको काटिए गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। सारे बाल आगे लेके गया। ओके, इस तरह से काट दिया। तो ये हेयर कट में भी मैक्सिमम 6 मिनट लगे हैं, सिक्स ज़्यादा बोल दिए मैंने, 5 मिनट में ये हेयर कट हो गया है। तो अभी ये सारे बाल आपको पीछे करके दिखाऊंगा तो इसमें आपको कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज बैक में ऑलरेडी वी आ चुका है। तो गाइस देखिए, अगर आप बताइए ये हेयर कट आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।